टीचर एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो एक छोटा सा कंसेप्ट लाया हूँ मैं आपके लिए फ्रॉम द क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द कंसेप्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब इसका क्या मतलब होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन माने क्या? देख लो, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, ठीक है, आपके आँख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है आपके आँख के सामने रखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज इसकी इमेज आपके रेटिना के ऊपर बनी हुई है, आपके आँख के रेटिना के ऊपर बनी हुई है। अब जैसे ही मैंने आप ये ऑब्जेक्ट हटा दिया सामने से, तो इमेज भी हटनी चाहिए और हटती भी है और हटती भी है, लेकिन 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 ये जो प्रोसेस होती है इंस्टेंट नहीं होती। इंस्टेंट नहीं होती मतलब ये पेन दिखाई दे रही है मुझे, हाँ हटा दिया तो जैसे ही हटाया वैसे ही इमेज नहीं हटती, कुछ देर तक, कुछ देर तक, कुछ देर तक, कितने देर तक, 1/16 सेकंड, बहुत कम, हाँ 1/16 सेकंड तक ये जो इसकी इमेज जो है वो रेटिना पे परसिस्ट करती है, रहती है, टिकती है, इसको ही बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। वेरी सिंपल लॉजिक, इस पेन की इमेज मेरे रेटिना के अंदर बनी हुई है, मैंने इसको हटा दिया, हटाते ही इमेज नहीं हटती 1/16 सेकंड, मतलब बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन होती है, हाँ बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम तक उसके सेंसेशन रेटिना के ऊपर रहते हैं। सो दैट रहना, दैट सेंसेशन रहना या दैट इमेज रहना इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ऑब्जेक्ट हटाने के बावजूद भी 1/16 सेकंड टाइम तक वो इमेज वहाँ पर बनी हुई रहती है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, देख लो, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। ऑब्वियस है भाई, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्यों, बिकॉज इसकी इमेज रेटिना के अंदर बन चुकी है। अब देख लो, यहाँ पर रखा मैंने ऑब्जेक्ट, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, बिकॉज ये जो पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज रेटिना के अंदर बन रही है क्या, नहीं बन रही है। ठीक है, सो द इमेज डिसअपीयर, इमेज डिसअपीयर हो गई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो इमेज डिसअपीयर हो गई फ्रॉम आवर साइट, तो जहां पर इमेज थी वहां से वो निकल गई, लेकिन बट दिस प्रोसेस इज नॉट इंस्टेंटेनियस। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हटा दिया वैसे ही इमेज नहीं हटती, ये इंस्टेंटेनियस नहीं, ये क्षण में घटने वाली नहीं है। एंड द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन रेटिना, तो रेटिना पर इमेज प्रिंटेड रहेगी कब तक, फॉर 1/16 सेकंड, बहुत कम टाइम होता है, 1 सेकंड का 16वां भाग, इतने कम टाइम के लिए आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिमूव करने के बाद भी वो इतने टाइम तक रेटिना पर ही टिकी रहेगी। द सेंसेशन ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाइल, तो कुछ देर के लिए रेटिना के ऊपर सेंसेशन रहेगा, परसिस्ट मतलब रहना, टिकना, कुछ देर के लिए, कितने देर के लिए, इतने देर के लिए। दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, दिस इफेक्ट इज पेयर से कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आया भाई, ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनी रेटिना पे, आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट हटाया, इमेज तुरंत ही नहीं हटती, 1/16 सेकंड तक टिकी हुई रहती है रेटिना पे, कुछ सेंसेशन उसके रेटिना पर टिके हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, और कितने टाइम के लिए, 1/16 सेकंड के लिए। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन इट्स पोजिशन फॉर अबाउट 1/16 सेकंड आफ्टर इट इज रिमूव्ड। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट हटा भी दिया, सामने से हटा भी दिया, तो 1/16 सेकंड तक वहीं पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जो कि बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है। तो इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। लिख लिया इतनी चीजें, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब इस परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर। ठीक है, मान लो अगर आपको, ये आप खड़े हो यहाँ पे, आपको 1 सेकंड में आप मैक्सिमम 15 इमेजेस देख सकते हो जो कि डिस्टिंग्विश है, जिसको आराम से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन 1 सेकंड में अगर आपको 16 इमेजेस दिखाएंगे हम, 16 इमेजेस कैसे, एक पर्सन जिसका हाथ कैसे होगा, ऐसे होगा, दूसरा पर्सन जिसका हाथ कैसे होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, फिर थोड़ा सा नीचे, 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 फिर थोड़ा सा नीचे। तो अगर ऐसे 16 इमेजेस आपको 1 सेकंड में दिखा दिया जाए, तो आपको क्या लगेगा, ये पर्सन का हाथ नीचे हो रहा है, आपको वीडियो दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगी क्या, नहीं, वीडियो दिखाई देगा। आपने वो मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, उस पर वो बच्चा नोटबुक बनाता है, वो मम्मी डैडी से दूर दूर जाता हुआ, तो कितना सिस्टमेटिक अरेंज करता है, वो बुक्स को आप ऐसे घुमाओगे, जब 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 ये बुक्स है, ये बुक है, ये बुक को अगर आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे 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 घुमाएगा, तो उसमें इमेजेस होते हैं, तो ऐसे लगता है कि धीरे धीरे वो बच्चा दूर जा रहा है, तो आपको वीडियो वाली फीलिंग आती है, वो दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो पीछे वाली जो इमेज होती है वो टिकी हुई रहती है कि नया ऑब्जेक्ट वहाँ पर आ जाता है, ओके, बताऊंगा मैं डिटेल में। और दूसरा क्या होता है, सपोज एक क्या है, बर्निंग स्टिक है, मतलब जलती हुई काड़ी है, ओके, अगर इसको 1 सेकंड में 16 बार आप घुमाओगे,
16 बार अगर आप घुमाओगे तो आपको, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर रेड कलर का सर्कल दिखेगा, रेड कलर का सर्कल दिखेगा, बिकॉज जब ये पोजीशन में होगा, इसकी इमेज हटने के पहले ही इसकी इमेज आ जाएगी, इसकी इमेज हटने के पहले इसकी इमेज आ जाएगी, ये इमेज हटने के पहले ये इमेज आ जाएगी, तो आपको कंटिन्यूअस फीलिंग आएगी, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या? नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो मोशन पिक्चर क्या है, अगर 16 या 16 से ज़्यादा डालेंगे तो और अच्छा लगेगा, 16 इमेजेस एक सेकंड में अगर आपने प्रोजेक्ट किए तुम्हारे आँख के सामने तो आप उसके बीच का डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और अगर वो प्रॉपरली अरेंज इमेजेस है तो आपको लगेगा कि वो इमेज मूव हो रही, इमेज के अंदर जो कुछ भी होगा दैट इज यू विल फील मूविंग। ओके, देखो क्या बोलता है, इन मोशन पिक्चर के अंदर फोटोग्राफ्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर टेकन, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब चलते हुआ ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ लिए जाते हैं, ठीक है, चलते हुए ऑब्जेक्ट के फोटोग्राफ लिए जाते हैं एट द रेट ऑफ मोर देन 16 पिक्चर पर सेकंड, एक सेकंड में 16 से ज़्यादा पिक्चर अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, दिस फोटोग्राफ्स आर प्रोजेक्टेड ऑन द प्रोजेक्टर एट द सेम रेट। ओके, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोज फ्लाइंग बर्ड है या एरोप्लेन है, ये फ्लाई हो रहा है, तो इसके इमेजेस लिए जाते हैं एट द रेट ऑफ मोर देन 16 पिक्चर पर सेकंड, और वह उसी रेट से उसको हमारे आँख के सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, तो एक पिक्चर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर, ऑब्वियसली एक पिक्चर जो होगी दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंस में होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन के वजह से वी गेट इंप्रेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हमें क्या लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में मूव हो रहा है क्या वो? नहीं, एक्चुअली में वो है इमेजेस ही, लेकिन आपको क्या लगेगा वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, बिकॉज ये एक इमेज है मान लो, ये दूसरी इमेज है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा ये इमेज, इसका सेंसेशन खत्म होने तक ये ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा, तो ये और ये कंटिन्यूटी फील होगी आपको, तो आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल यूज इन मोशन पिक्चर। बर्निंग स्टिक का बहुत आसान एग्जांपल है, बर्निंग स्टिक इज मूव्ड एट द रेट ऑफ मोर देन 16 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो एक सेकंड में अगर 16 से ज्यादा बार आप उसको घुमा रहे हो तो ये पोजिशन वाला इमेज डिसअपियर होने तक नया ऑब्जेक्ट, नई इमेज जनरेट हो जाएगी, तो आपको इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या? नहीं, आपको ऐसा कंटिन्यूअस फील होगा और आपको रेड कलर का सर्कल दिखेगा, ठीक है, 16 रिवोल्यूशन पर सेकंड, देन बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से द इफेक्ट कैन बी सीन, परसिस्टेंस ऑफ विजन इफेक्ट की वजह से वी कैन सी द सर्कल ऑफ रेड लाइट, तो रेड लाइट का आपको सर्कल दिखाई देगा, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट परसिस्टेंस ऑफ विजन, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।